हेलो गाइस, मैं मारुति और आज की क्लास में हम बात करते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट के स्पेशल इंट्रोगेटिव पार्ट को आज हमें सीखना है। और गाइस, जैसा कि आपको पता है, ये मेरी आज फिफ्थ क्लास है टेंस को लेकर, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को लेकर ये मेरी फिफ्थ क्लास है। तो आज हम बात करते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इसको स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम क्यों दिया गया। मेन चीज ये होती है कि इससे प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पता चले, तो उससे पहले आपको जो प्रीवियस क्लास हमने दी हुई है उसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखेंगे तो आप स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो हम बात करते हैं आज स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। एक बार मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। गाइस, मैं केवल एक छोटे से रिव्यू में इसको डिस्कस कर देता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिसमें जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, लेकिन स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जो क्या से ना शुरू होकर कब, कहां, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, कितने, कितनी, इन वर्ड्स है, यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड्स है। अगर हमारे कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट अगर होता है तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब बात आती है कि इसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। गाइस, फॉर्मूला इसको बनाने का वही फॉर्मूला है जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने में सीखा था। बस फर्क इतना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी अगर हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात करते हैं, उसमें जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वहां होता है हमारा डू, डस, या डू डस, या तो डू या फिर डस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि कब, कहां, क्यों, कैसे, किसका, किसकी, अगर इनसे आपका सेंटेंस कोई भी शुरू होता है तो उसकी स्पेलिंग पहले आती है, इसलिए इन वर्डों को बोलते हैं डब्ल्यू ऑब्लिक एच वर्ड। बस ये वर्ड सबसे पहले आते हैं, उसके बाद में आपका फॉर्मूला वही रहता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम आपका फॉर्मूला होता है। इनको डब्ल्यू ऑब्लिक एच वर्ड क्यों बोला गया, देखो कब, कहा, क्यों, कैसे, कब को वैन बोलते हैं, कहां वेयर होता है, क्यों वाय होता है, कैसे हाउ, किसका हूज, किसका या किसकी हूज, कौन सा या कौन सी, विच, कितना, कितनी, हाउ मच, हाउ मैन। तो गाइस, यहां पे देखिए कि कब, कहां, क्यों, कैसे, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हूज, विच, या कितना या कितनी, कितना कितनी की स्पेलिंग जो होती है वो होती है हमारी हाउ मच या हाउ मैनी। अब बात आती है कि हाउ मच का यूज हम कहां करते हैं और हाउ मैनी का यूज हम कहां करते हैं। जब कोई चीज जिसको हम काउंट कर सके उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ मैनी। कोई क्वांटिटी है जिसको हम काउंट कर सकते हैं वहां पे हम यूज करते हैं हाउ मैनी, और जिस चीज को हम गिन ना पाए, जिसको आप गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी का यूज करते हैं, हाउ मैनी वर्ड का यूज करते हैं, और जिस चीज को आप गिन नहीं सकते हैं उसके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं, कितना, कितनी, कितने, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और आपके सेंटेंस के ऊपर। तो यहां आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड है वो आपके डब्ल्यू, वेयर, Why, whose, which, how, much, how many, और how, यानी इन सेंटेंसों को हम बोलते हैं, इन वर्डों को हम बोलते हैं डब्ल्यू ऑब्लिक एच। अगर कोई सेंटेंस कब, कहां, क्यों, कैसे, किसका, किसकी से स्टार्ट अगर होते हैं तो ऐसे वाक्यों की स्पेलिंग सबसे पहले आती है
और फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते टाइम यूज किया था, सीखा था। अब बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि सर इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। देखिए, कहा जाता है, वह कहा जाता है। सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग किससे हुई, कहां से है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इंट्रोगेटिव में इसकी जो कैटेगरी है वो है स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका कहां से शुरू होता है, तो इसमें क्या होता है, कहां जो वर्ब है इसकी स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, क्योंकि ये है डब्ल्यू ऑब्लिगेट वर्ब। सबसे पहले कहां, उसके बाद डू या डज में से एक, वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि डू आएगा या डज आएगा। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनता है। अब डिपेंड करता है डू आएगा ज्यादा आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट ऊपर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए ही का यूज होगा, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हम जब लगाएंगे। वेयर डज, सब्जेक्ट है हमारा ही और वर्ब है हमारी गो। क्वेश्चन, वेयर डज ही गो, वे कहां जाता है। सेकेंड, तुम क्यों रोते हो। अब ध्यान देखिए यहां पे सेंटेंस कैसे शुरू हुआ, तुम क्यों रोते हो, तो आपका जो क्वेश्चन वर्ड है वो है आपका क्यों। अब क्यों क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इसको बोलेंगे स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आने की वजह से सबसे पहले डब्ल्यू ऑब्लिगेट वर्ड आएगा, यानी क्यों की स्पेलिंग आएगी वाय। उसके अंदर जो आएगा डज आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट है तुम और तुम है आपका प्लूरल, इसलिए यू का यूज करेंगे। वेयर, वाई डू, सब्जेक्ट क्या है यू, वर्ब क्या है रोना, रोने को बीप बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू बीप, तुम क्यों रोते हो। अब गाइस इसी में होते हैं हमारे स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस भी अगर हो तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता, वो भी यही होता है, बस हम नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, इस जगह पे आ जाएगा आपका नॉट सब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जाम्पल देखिए, घर क्यों नहीं आती, हमारा सेंटेंस है वह घर क्यों नहीं आती, क्यों लगा हुआ है, आपकी पहचान आती थी आ गई, क्यों लगा हुआ है स्पेशल इंट्रोगेटिव हो गया, पहचान आपकी ताती थी हो गई, यानी कि प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, प्रेजेंट डेफिनेट का स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं लगा हुआ है इसलिए स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अभी हमने बनाया था वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि स्पेलिंग सबसे पहले आएगी, क्योंकि आपका फॉर्मूला ही यही है, पहले सबसे पहले डब्ल्यू ऑब्लिगेट वर्ड आएगा, यानी सबसे पहले कब कहा क्यों कैसे की स्पेलिंग आएगी वाय। उसके अंदर डू आएगा कि डज आएगा, डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू आएगा। वह आपका एक वचन है सिंगुलर है इसलिए ही, तो सब्जेक्ट को देखते हुए आपका डज का यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। वाई डज, सब्जेक्ट आएगा उसके बाद में ही, वाई डज ही के बाद में, क्योंकि आपका सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए आप नॉट का यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई डज ही नॉट, वर्ब क्या है आना, वाई डज नॉट, वाई डज ही नॉट कम, और आपका ऑब्जेक्ट क्या बचा घर, वाई डज ही नॉट कम इन होम, या आप इस जगह पे एच होम भी कर सकते हैं एच होम। तो गाइस देखा, इस प्रकार से हम प्रेजेंट डेफिनेट की स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। गाइस फिर भी अगर आपको
क्लास में कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज आपके माइंड में डाउट क्रिएट कर रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सारे डाउटों को क्लियर कर सकते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्पेशली मैं बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो जरूर बनाता हूँ क्योंकि बोर्ड की जो एग्जाम्स है वो नजदीक है और बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो ग्रामर पे इतना ध्यान नहीं देते जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।